हेलो नमस्कार। यदि आप लोग ग्रेजुएशन पास छात्र हैं, यदि आप लोग ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान स्नातक पास 50 स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, तो अब आपसे को फॉर्म को फाइनल सबमिट करना होगा, जिसके लिए आपसे को यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि आपसे को जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वो कब तक दिया जाएगा, साथ ही साथ आपसे भी लोग किस प्रकार से पता करेंगे, साथ ही साथ जानेंगे किस प्रकार से आपसे भी लोग देख सकते हैं कि आपसे भी लोग ने जो भी रजिस्ट्रेशन किया है उस रजिस्ट्रेशन का स्टेटस क्या है, यानी कि आपसे जो भी यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लिया गया है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अभी तक वेरीफाई नहीं किया गया है। क्योंकि आपसे भी लोग ने जो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट या फिर जानकारी दिए हुए हैं वो सारे वेरीफाई होने के बाद ही आपसे वह जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, उसके बाद ही आपसे भी लोग अपना फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे फाइनल सबमिट। उसके बाद आपसे जो पेमेंट है वो दिया जाएगा 50,000 रुपये की राशि। तो आइए देखते हैं कि आप लोग का इस सारा जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से करेंगे। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, चैनल पर न है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपसे भी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे लोग इस वीडियो को छोड़कर बिल्कुल ही मत जाइएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि आप सभी लोग अपने गूगल को ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे सर्च कीजिएगा gulshanstudy.com, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसको जैसे ही आप सभी लोग सर्च कीजिएगा, जो भी आप लोग को पहला वेबसाइट देखने को मिलेगा उसी को आप सभी को ओपन कर लेना। उसके बाद आप सबको होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद आप सबको यहाँ पे स्कॉलरशिप का सेक्शन दिखाई देगा, जिसमें आप सबको यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएशन पास 50,000 स्कॉलरशिप ऑनलाइन अप्लाई 2023, इस पर क्लिक करना है। इसका लिंक आप सबको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट मिल जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पे आप सब लोग आ सकते हैं। उसके बाद आप सबको नीचे आना है, यहाँ पे आप लोग को इंपॉर्टेंट लिंक दिया गया है और यहाँ पे आप लोग को इंपॉर्टेंट लिंक में ही आना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक एप्लीकेशन स्टेटस का लिंक दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस, जिस वाले लिंक पे आप सबको क्लिक करना। इस पे क्लिक करने के बाद आप सबको यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर लेकर के जाएगा। यहाँ पे आप सबको क्या क्या जानकारी दर्ज करनी है, जिसे कि आप सब लोग अपना स्टेटस को चेक कर पाएंगे कि आपका यूजर आईडी पासवर्ड है वो कब तक मिलेगा। यहाँ पे आप सबको सबसे पहले अपना यूनिवर्सिटी का नाम डालना है कि जो भी आपका यूनिवर्सिटी है वो कौन सा यूनिवर्सिटी है। उसके बाद जो भी आपसे मार्कशीट पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, और जो भी आप लोग ने रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर डाले हैं वो यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे गेट स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सब लोग गेट स्टेटस पे क्लिक, तो आपसे भी कोई यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले अपना स्टूडेंट का नाम रहेगा, उसके बाद फादर्स नेम रहेगा, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट का और आईएफएससी कोड का डिटेल रहेगा। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट में आपसे को स्टेटस यहाँ पे आप लोग को पेंडिंग दिखाई देगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग को क्या क्या देखना है वो मैं आपसे को बता दूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं आपसे को रेसिडेंट स्टेटस में आपसे को वेरीफाइड दिखाई देगा। यदि आप लोग का जो भी डिटेल डाले होंगे वे यहाँ पे सारे वेरीफाइड यानी कि सही डाले होंगे तो आपसे को वेरीफाइड किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं नेम इसका जो भी वेरीफाइड कर लिया गया, वहीं आधार भी वेरीफाइड हो चुका है, लेकिन बैंक स्टेटस जो भी है वो पेंडिंग है। उसके बाद रेसिडेंट भी वेरीफाइड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे स्टेटस में देखेंगे फाइनल स्टेटस में तो फुल वेरीफिकेशन इज पेंडिंग, यानी कि अभी सभी का जो भी वेरीफिकेशन है वो नहीं हुआ है। तो आप लोगों को बता दें कि आपसे यूजर आईडी पासवर्ड कब तक मिलेगा। तो मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पे 7 से लेकर के 14 दिनों तक के बीच में आपसे यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, लेकिन आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड उस केस में दिया जाएगा जब तक ये सारा चीज वेरीफाइड नहीं हो जाता है, तब तक आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं दिया जाएगा। तो आप सभी लोग अपना स्टेटस को चेक करते रहें, यहाँ पे आप लोग को डेली ये जो भी वेरीफाइड है वो होता जा रहा है, सभी स्टूडेंट का जो भी डेली है वो यहाँ पे अपडेट होता जा। तो आप सभी लोग यहाँ पे देखते रहेंगे कि आपसे का जो वेरीफाइड है वो कहाँ तक हुआ है, उसके बाद ही आपसे वो यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। जैसे ही वेरीफाइड हो जाता है तो मैंने आपसे को उस वीडियो में बताया हुआ है कि किस प्रकार से आप सभी लोग अपना जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड पता कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप सभी लोग को फाइनल सबमिट किस प्रकार से करना है, फॉर्म को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है और किस प्रकार से किया जाता है, मैंने आपसे को प्रॉपर वीडियो बना दिया हूँ। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि आप सभी को ये सब देखना बहुत ही जरूरी है, तभी आप सभी लोग स्कॉलरशिप का लाभ लेंगे। क्योंकि इसमें यदि आप लोगों का किसी प्रकार का मिस्टेक हो जाएगा तो आपसे 50,000 राशि है वो यहां पे छूट जाएगी। इसलिए आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे, ऑनलाइन अप्लाई किस प्रकार से करते हैं, फाइनल सबमिट किस प्रकार से करते हैं वो वीडियो देखिए, चैनल पर दिया गया है। यदि आप लोग यहां पे देखना चाहते हैं तो मैंने आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका जो भी लिंक है वो कार्ड लगा दिया है, वहां से जाकर देख सकते हैं। सो इस प्रकार से आप सब लोग अपना स्टेटस को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आपसे यूजर आईडी पासवर्ड कब दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं कि यदि आप लोगों को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स साथ ज्यादा से शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी स्टूडेंट ने अपना स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है ताकि वे समय पर उन्हें स्टेटस चेक कर पाए और अपना स्कॉलरशिप का लाभ ले पाए। फिलहाल के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, फिलहाल के लिए धन्यवाद।